जब आप माइनक्राफ्ट हैप्पी हैप्पीली खेल रहे हो और अचानक से आपकी वॉल में आ जाएगा एक क्रॉस सिंबल। हमारे वर्ल्ड में ये क्रॉसेस रैंडमली क्यों आते हैं और विलेजर्स क्यों विलेजर्स को स्लेव्स कर देते हैं? विलेजर्स और विलेजर्स के बीच में पंगा क्या है? ये सारे चीजों को आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग सीक्रेट नंबर 1, द क्रॉस। यहाँ पर देखो द क्रॉस सिंबल, ये मिला मुझे रेडिट के अंदर। माइनक्राफ्ट के यूजर Only One सकुरा ने पोस्ट किया यहाँ पर, फाउंड दिस नेचुरली जनरेटेड क्रॉस इन द माउंटेन। इसको देखकर आपको लगता है कि ये उसने बना दिया अपने हाथ से और कह रहा है कि ये नेचुरली जनरेट हो गया, बट ये नेचुरली जनरेट होने की चांसेस है। अगर आप माइनक्राफ्ट 1.20.1 खेल रहे हो तो आपको पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे बग्स है। माइनक्राफ्ट कभी कभी रैंडमली चीजों को जनरेट करती है, जैसे कि ये जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, माइनक्राफ्ट की फिजिक्स को फॉलो भी नहीं करता है ये, बट ये चीजें रैंडमली जनरेट हो जाती है। क्या ऐसा ही जनरेट हुआ ये क्रॉस भी? ऐसा ही रैंडम क्रॉस सिंबल माइनक्राफ्ट में जनरेट होता है कि नहीं होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं माइनक्राफ्ट की वॉल को पूरा घूमूंगा और सर्च करूंगा क्या ये क्रॉस सिंबल नेचुरली पॉन हो सकता है कि या नहीं। ये सर्चिंग का प्रोसेस मैं अपने ब्रदर को दे दूंगा, वो सर्च कर गया, अगर मिल गया तो मुझे बताएगा। तब तक हम सीक्रेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। विलेजर और पिलेजर, इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों है? व्हाई? और ए विलेजर और हमारा पिलेजर देखने में एक जैसा है, इसका फेस को देखो कलर डिफरेंट है बट फेस का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। और विलेजेस ये आयरन गोलम को क्यों बनाते हैं? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर मैं एक वॉर को शुरू कर देता हूँ। एफेट ग्यू, थंडर बॉय, बैड ओमेन इन्फिनाइट। यस, आप देखो राइड शुरू हो जाएगा। राइड क्यों होता है विलेज के ऊपर? वो देखो घंटा बजाना शुरू हो गई क्योंकि राइड शुरू होने वाली है। अब किस तरफ से आएंगे ये लोग? लेट्स सी। वो देखो आ गया। पिलेजर की आउटपोस्ट आसपास ही होता है विलेज का। देखो अटैक होने वाली है। अब द आयरन गोलम प्रोट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब हम वेट करेंगे, अगर विलेजेस हार गया तो क्या होता है इस विलेज के साथ? क्या हमारे विलेजेस इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और तुलना कर लेगा या कुछ और होगा? उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। लेट्स वेट। कितना दूर भागता है विलेजर, अरे पकड़ना उसको। अरे जल्दी जल्दी खत्म करो। यस यस यस, एक और बार। क्या हुआ, क्यों रुक गया ये? अरे जल्दी जल्दी मारना वो। अरे पसीना निकल रहा है क्या? वो विलेजर के अंदर से पसीना निकल रहा है भाई, देखा आपने? मार दिया। कम ऑन दी लास्ट विलेजर, इसको खत्म कर दो। खत्म करना भाई, कितना टाइम लेते हो तुम लोग? डन, रेड डिफीट। क्या होगा अब? वो देखो यार जंप कर रहे, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। विलेजर्स ने इस विलेज को ऑक्यूपाई कर दिया, बट व्हाई, क्यों सेलिब्रेट कर रहे लोग? वो Celebrations are awesome, but why क्यों celebrate कर रहे हैं लोग? इतना revenge लेने की क्या जरूरत है? Pillagers already बहुत ही rich है, देखो कितना बड़ा mansion है pillagers के पास, but क्यों इतने छोटे छोटे villagers को attack क्यों करते हैं हमारा pillagers? उसका reason क्या है? और pillager and villager देखने में nearly same क्यों है? वो पता लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा टाइम ट्रैवल। यहाँ पर देखो बहुत बड़ी मैंशन है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को देखो आप। ये है 5833831661। याद रख ले आप, ये है माइनक्राफ्ट। टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत ही ओल्ड वर्जन माइनक्राफ्ट के पास। इसी कोऑर्डिनेट्स के पास में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा वहां पर, सेम सीड मैप के अंदर। SEED सीड, ये देखो भाई सीड, इसी सीड बट पुरानी वर्जन। मैंशन की एरिया में क्या होता है? लेट्स गो। चलो अब हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे उसी लोकेशन पर। उसका कोऑर्डिनेट्स में स्क्रीन पर डाल दूंगा, 5834871663। लेट्स गो। ये क्या है, वुडन मैशन की सीड है यार, वो सेम सीड है बट
पुराने वर्षन, यहाँ पर विलेज कैसे आ गया, वो भी बड़ा विलेज। देखो यार कितना बड़ा है विलेज जहाँ तक स्प्रेड हुआ, और इस फॉरेस्ट में क्यों है ये विलेज, रैंडमली सिर्फ एक घर यहाँ पर क्यों है, सब कुछ यहाँ पर है। भाई फॉरेस्ट में सिर्फ वुडन मैशन होती है, बट यहाँ पर विलेज कैसे आ गया, एवरी वुडन मैंशन पुराने समय विलेजेस है, विलेजेस को डिस्ट्रॉय करके वहां पर मैंशंस को बनाया, इसीलिए हमारा पिलेजेस विलेजेस को नैप करते हैं और उनकी विलेजेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ओ भाई ये मिथ तो बहुत ही क्रेजी है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, दिस इज सो शॉकिंग। ओ वेट ए मिनट, अगर यहाँ पर वुडन मैशन नहीं है, इस वर्ल्ड में वुडन मैशन को फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया तो क्या होगा, क्योंकि जिस जगह पर वुडन मैशन होनी चाहिए वहां पर तो विलेज है, मतलब वुडन मैशन अभी तक बनी ही नहीं। हाँ चलो हम सर्च करेंगे फॉर वुडन मैशन, कमेंट से सर्च करूंगा मैं, लोकेट मैशन, काम करता है नहीं करता है देखेंगे हम। व्हाट 5679 ब्लॉक्स अवे, चलो वहां पर जाकर देखेंगे हम क्या होता है, लेट्स गो। हो गया मैं, हाँ ये कौन सी जगह है भाई, कहां पर आ गया मैं, वो व्हाट इज दिस, यहाँ पर भाई ये तो क्रॉस सिंबल है, ये यहाँ पर कैसा क्या, मैंने मैंशन के लिए सर्च किया, मैंशन के कोऑर्डिनेट्स पर ये क्यों है यहाँ पर, दिस इज सो क्रेजी यार। और देखो ये रैंडमली जनरेट हुआ है, ये सब कुछ ब्रेक ब्रेक है। हाँ ये क्या भाई, ये तो क्रॉस है, चलो। और यहाँ पर एक और क्रॉस के इसके अंदर ब्लैक लाइन को देखो, ब्लैक लाइन ऐसा जा रहे है और वहां से ऐसा जा रहे है, ब्लैक लाइन क्या है ये, ब्लैक लाइन यहाँ पर ब्लैक लाइन नहीं है पर यहाँ पर है ब्लैक लाइन। वो वेट ए मिनट, शायद ये शैडो है क्या, ये ऊपर देखेंगे हम, वो व्हाट इज दैट भाई, क्या है ये, क्रॉस सिंबल और विलेजेस दोनों में कनेक्शन क्या है, समझा नहीं मैं, यहाँ पर मैशन होनी चाहिए बट यहाँ पर क्रॉस सिंबल क्यों है, वो एक नहीं बल्कि दो है, ऊपर एक और नीचे एक, भाई बहुत ही क्रेजी है ये, व्हाट इज हैपनिंग हियर, विलेजेस नहीं है क्या इस वर्ल्ड के अंदर, चलो विलेजेस को सर्च करेंगे हम, विलेजेस की एग है देखो, जब मैं विलेजेस को सर्च कर रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है भाई, बट देखो काम कर रहा है ये एंटिटीज है माइनक्राफ्ट के अंदर बट नेचुरली जनरेट नहीं हुआ ये, अगर मैं सर्वाइव में चेंज हो गया तो क्या मेरे लोग मुझे अटैक करेंगे, अभी तक मरा नहीं मैं, why what रुक गए ये लोग भाई, जिंदा है ना लोग, जिंदा है देखो, मुंह कर रहे लोग बट अटैक नहीं कर रहे मुझे ये, अरे सर्वाइवल में हूं मैं, देखो देखो सर्वाइवल मोड, भाई क्या है कनेक्शन इन विलेजेस और इसका, इसको बिल्ड किया ये लोग, मुझे अटैक करना ही बंद कर दिया, देखो देखो मुंह कर रहा मैं इनके बीच बीच में मुंह कर रहा मैं, बट नथिंग इज हैपनिंग, अगर अटैक किया तो नथिंग इज हैपनिंग यार, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्यों ये लोग इतना क्यों रेस्पेक्ट करते हैं इस क्रॉस सिंबल को, अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो ये लोग मुझे फिर से अटैक करेंगे, ये लोग इतना वर्शिप कर रहे हैं इसको, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, टीएनटी को ले लो, फ्लिंट एंड स्टील को ले लो, इनके आंखों में सामने इनकी वर्शिप को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, क्या करते हैं लोग, डिस्ट्रॉय देखो तेरी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर रहा हूं मैं, बट ये क्या किक आउट हो गया मैं, चलो फिर से जाएंगे हम, ठीक है लोड हो गया वो, ये कहाँ कहाँ पर आ गया मैं, पानी नहीं नहीं ये तो ब्लड है यार, ओ ब्लड सिंबल, बॉय क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस है, ये कहाँ पर आ गया मैं, सर्वाइवल में कैसे चेंज हो गया मैं भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, व्हाट इज दैट, चलो बाहर जाने की कोशिश करूंगा मैं ऐसे, लेट्स गो, अरे व्हाट आई एम डेड, मैं बाहर जाने के लिए कोशिश किया तो मैं मर गया ऑटोमेटिकली, क्रॉस और विलेज के बीच में डेफिनेटली कनेक्शन है।